हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज, जो इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लासिक्स हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते को उसका नया मास्टर यानी कि मालिक कैसे मिलेगी, समरी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ द मैन। एक ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस का मतलब हास्यास्पद। इस कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको हंसी जरूर आएगी। और ये इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि जो कुत्ता है वो इंसानों के साथ उसकी दोस्ती कैसे हुई। दिस स्टोरी बिगिंस विद द पास्ट। जो स्टोरी है वो शुरू होती है पास्ट से, यानी कि भूतकाल से। इन द पास्ट ऑल एनिमल्स वर लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड हैड नो मास्टर्स। बहुत पहले अतीत में सभी जो जानवर थे वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे and had no masters, और उनका कोई मालिक भी नहीं था। A new dog took birth, एक नए कुत्ते ने जन्म लिया। The new dog was not happy with the day-to-day struggle for food and danger of powerful creature। और जो नया जो डॉग था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वो खुश किससे नहीं था, जो हर दिन की जो स्ट्रगल होती थी, संघर्ष होता था खाने के लिए संघर्ष करना, या फिर डेंजर ऑफ पावरफुल क्रीचर, और उनसे भी ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पावरफुल ताकतवर जानवर थे वहाँ पे। So he decided to find a master. तभी उसने एक फैसला लिया कि वो एक नया मालिक ढूंढेगा अपने लिए। Who is the strongest on the earth? और जो कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ही शक्तिशाली है, मैं उसको अपना मास्टर बनाऊंगा, ये डॉग ने सोचा। He started searching for such a creature. और फिर उसने अपनी जो खोज शुरू की उस प्राणी के लिए। किस प्राणी के लिए? बहुत ही पावरफुल क्रीचर के लिए, सबसे शक्तिशाली प्राणी की खोज उसने शुरू की। In the forest, he met a wolf. जंगल में उसे एक भेड़िया मिला। वॉल्फ इज अ फियरसम क्रीचर, और जो भेड़िया है वो बहुत ही निडर प्राणी है। द डॉग थॉट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मेड हिज ओन मास्टर। कुत्ते ने सोचा कि जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उसको अपना उसने मालिक बना लिया। बट वन डे ही सॉ द वुल्फ रनिंग विद फियर। पर एक दिन उसने उस भेड़िए को डर के मारे भागते हुए देखा। डॉग आस्क्ड व्हाट हैपेंड, कुत्ते ने पूछा क्या हुआ। वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, देयर इज अ बेयर नियर बाय, आसपास एक भालू है, हाइड इन द फॉरेस्ट एल्स ही विल किल अस बोथ। उसने बोला कि आसपास एक भालू है, जल्दी से छुप जाओ नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा। द डॉग थॉट द बेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ही शुड ऑफर हिज सर्विस टू हिम एंड लेफ्ट द वुल्फ। अब कुत्ते ने सोचा कि जो भालू है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसको उसकी सर्विस देनी चाहिए, यानी कि भालू की सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया। बेयर एक्सेप्टेड हिज सर्विस, भालू ने उसकी सर्विस एक्सेप्ट की, स्वीकार की, एंड टुगेदर स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स। वो साथ में शिकार पे जाते थे, जानवरों के शिकार करने के लिए साथ में जाते थे। व्हाइल हंटिंग फॉर अ काउ, जब वो गाय को शिकार कर रहे थे, सडनली बेयर बिगन हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। अचानक जो भालू था वो जंगल में छुपने लगा। डॉग आस्क्ड व्हाई यू आर हाइडिंग, कुत्ते ने पूछा आप क्यों छुप रहे हो। बेयर सेड द लायन इज द किंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। भालू ने कहा कि जो शेर है वो जंगल का राजा है और सबसे ज्यादा ताकतवर है जंगल में। द डॉग ऑल्सो लेफ्ट द बेयर, अब कुत्ते ने भालू को भी छोड़ दिया, एंड ज्वाइन द किंग, और फिर उसने किंग यानी कि शेर को ज्वाइन किया। Many days passed, बहुत सारे दिन बीते, and the dog was happy, और कुत्ता भी बहुत ज़्यादा खुश था, being with lion, शेर के साथ। But one day, पर एक दिन, the lion roared fast, बहुत तेज गर्जा शेर, punched his feet on the earth, और फिर उसने धरती पे बहुत मुक्के मारे, and started moving away, और वो वहाँ से जाने लगा। Dog asked, what happened? तो कुत्ते ने पूछा क्या हुआ? क्या हुआ master? The lion said, शेर ने कहा, there's a man coming in our way. एक आदमी हमारे रास्ते में आ रहा है, लेट्स गो बैक एल्स विल बी इन ट्रबल, चलो वापस चलते नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। द डॉग अंडरस्टूड द लायन इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, कुत्ते को पता समझ आ गया कि जो लायन है, जो शेर है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। ही वेंट टू द मैन एंड ऑफर्ड हिज सर्विस, फिर वो उस आदमी के पास गया और उसको अपनी सर्विस सेवा समर्पित की। सिंस देन डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमन, और उस दिन से जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो इंसान के क्या है, वफादार नौकर हैं, सर्वेंट हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
Why did the dog feel the need for a master? कुत्ते को क्यों लगा कि उसको एक मास्टर की जरूरत है? There was a time dogs were their own master. एक समय ऐसा भी था जो डॉग्स थे वो खुद के मास्टर थे, मालिक थे. They used to hunt for food by themselves. और वो खाने के लिए शिकार पे जाते थे, खुद से शिकार पे जाते थे. But were fearful of the strong animals. पर उनको बहुत ज्यादा डर था. Strong animals, ताकतवर जानवरों का डर था. The dog mentioned here was different from other dogs. तो इसलिए जो डॉग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो बाकी डॉग से अलग है. तो इसलिए डॉग को जरूरत पड़ी, क्योंकि वो हर दिन के जो स्ट्रगल था, जो हमने पहले भी स्टोरी में डिस्कशन किया है, उसको वो स्ट्रगल पसंद नहीं था. प्लस वो स्ट्रॉन्ग एनिमल से भी डरते थे, इसलिए उसे लगा कि उसको एक मास्टर की, मालिक की जरूरत है. He was annoyed by the daily struggle for food and safety from other animals. जैसे भी हमने डिस्कस किया, उसको खाने के लिए जो संघर्ष करना पसंद नहीं था, सेफ्टी उसको नहीं लगती थी बाकी एनिमल्स से, जो ताकतवर थे उससे ज्यादा. He thought that if there will be a master, the master will help him in praying and protect as well. उसने सोचा कि अगर मेरा कोई मालिक होगा, मास्टर होगा, तो मास्टर क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा, शिकार में मदद करेगा मेरी, और मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा, सुरक्षा भी देगा. नंबर टू, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर. जो डॉग है उसने सबसे पहले किसको चुना, अपने मास्टर के रूप में किसको चुना. व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और फिर उसने उस मास्टर को, मालिक को क्यों छोड़ा. वंस द डॉग डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर, जब कुत्ते ने अपना मास्टर डिसाइड कर लिया था रखने के लिए, इट वॉक द वुड, तो वो जंगल में गया. इन द फॉरेस्ट ही मेट द वुल्फ, उसे भेड़िया मिला. Wolf is a fearsome creature, और जो भेड़िया है वो होती निडर प्राणी है. The dog thought the wolf is the strongest animal on the earth. और फिर डॉग को लगा कि जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है पृथ्वी पे. So he decided to offer his service to the wolf. तो सबसे पहले उसने भेड़िए को अपने मालिक के रूप में चुना. A few days later, कुछ दिनों के बाद, the wolf and the dog were walking and a bear came around him. जब भेड़िया और डॉग जब चल रहे थे, तो भालू आ गया. The wolf was frightened, और जो भेड़िया था वो डरा हुआ था by the bear, भालू से डरा हुआ था. Now the dog knew the bear is more powerful than the wolf. और डॉग को समझ आ गया कि जो भालू है वो भेड़िए से ज्यादा पावरफुल, ताकतवर है. So it decided to leave the wolf and join the bear instead. इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया. लीव का मतलब होता है छोड़ना, और ज्वाइन का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, या किसी को, किसी के साथ जुड़ जाना. नंबर फोर, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो डॉग ने, कुत्ते ने शेर के साथ सबसे ज्यादा समय क्यों बिताया, शेर को सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक की सेवा क्यों दी. अ लायन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. जो शेर है, हम सबको पता है कि वो जंगल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, मजबूत ताकतवर एनिमल है. इन द फॉरेस्ट नो वन डेयर्स टू फाइट विद अ लायन. और जंगल में कोई भी लायन के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता. When the dog gave the service to the lion, जब dog ने lion को अपनी service, सेवा दी, both of them hunted animals. और दोनों ने बहुत सारे शिकारियों का शिकार किया, जानवर का शिकार किया. And the dog did not find a better contender. और कुत्ते को शेर से अच्छा कोई प्रतिद्वंदी नहीं लगा, उसको लगा सबसे ज्यादा powerful शेर ही है. Until he met the man, जब तक वो इंसान से नहीं मिला तो उसको यही लग रहा था. So the dog served the lion for a long time. इसलिए उसने शेर के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया. Number 5. Who did he finally choose as his master and why? तो उसने finally, अंत में उसने अपना मालिक किसको चुना और क्यों चुना? With lion, the dog spent many days. शेर के साथ डॉग ने बहुत सारे दिन बिताए. The dog was happier than before. और जो कुत्ता था वो पहले से बहुत ज्यादा खुश था. And he started feeling that he has met the strongest animal of the forest. और फिर उसको ये भी लगने लगा कि वो जंगल है उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर मालिक से वो मिल चुका है. His belief went wrong. और जो उसकी सोच थी वो गलत हो गई. When he saw the lion in fear. तो उसने शेर को डर में देखा. And worrisome in front of the men. डॉग, जब कुत्ते ने शेर को डर में देखा, चिंता में देखा इंसान के सामने. After this incident, और इस इंसिडेंट के बाद, इस मौके के बाद, He knew a man is the strongest creature on the earth. उसके बाद उसको समझ आ गया कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो strongest creature है, सबसे ज्यादा ताकतवर creature है, प्राणी है, वो इंसान है. Since then,
ही चेंज हिज सर्विस टू ह्यूमंस, और उसके बाद से उसने अपनी जो सर्विस है इंसानों को देनी शुरू की, और तब से डॉग और ह्यूमंस, कुत्ते और इंसान साथ साथ फ्रेंडली रहते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड दिस वॉज द समरी ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। आज का लेसन अगर आपने इंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।